डॉक्यूमेंट और खाने की ऐसे बेद भी नहीं करते हैं, पाप चढ़ेगा। सीमा तरमपाल चोपड़ा अपने पड़ोस में भी कभी किसी को भूखा नहीं रहने देती, तो अपनी बेटी को कैसे भूखा सोने दे? तूने इसके साथ फेरे ले लिए ना, आज से ना तू हमारी कोई, ना हम तेरे को, आज से तू हमारे लिए मर गई, हम तेरे लिए मर गए। इतनी रात को तुझे कौन याद कर रहा है? बेचारी टेंशन में होंगी ना, सोच रही होंगी कि उनकी बेटी ने खाना खाया कि नहीं खाया है, उनकी बेटी का हस्बैंड उसका टेक केयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओए माँ बच्चे का तो कनेक्शन ही ऐसा होता है, बच्चा भुखा रहता है ना तो माँ भी भुखी रहती है। बेचारी भुख से तड़प रही होगी, नहीं तू तो खा नहीं रही है। तूने नहीं खाना तो मत खा, पर तेरी मां ना वहां पे बेड पे इधर उधर पूरी रात तड़पती रहेगी, नहीं और इधर तू हिचकियां मारती रहना, गल मैच नहीं होनी है। से ही मुझको जुदा कर दिया, मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं, दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। की दुआ है चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हूँ मेरा, मैं सांस भी लूँ तुझे चाहे बिना, अब होगा ना ये हमसे कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, के ज्यादा भी होगा तुम्हीं से, के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ।
भी ये शादी को नहीं मानती हूँ। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, जो कि जबरदस्ती लेकर आया मुझे यहाँ। मैं कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन आपके घर नहीं आऊंगी। इस घर में रहना नहीं चाहती थी ना, आजाद कर दिया तुझे। आंटी कुछ नहीं सुनना मुझे, ना कोई दलील, ना कोई सफाई, ना कोई रोना धोना। तू जाना चाहती थी ना यहां से, तू जा, मैं भी यही चाहती हूं। जा आजाद होना चाहती थी ना तू, हो गई आजाद, अब वापस मत आना यार। मैं जानती हूं आंटी कि मैंने आपको बहुत दुख दिए, उसके लिए माफी मांगना चाहती हूं, लेकिन मुझे पता है कि आपको लगता है कि चोकी की जिंदगी में जितने दुख है वो मेरी वजह से, लेकिन एक बार जरूर सोचना कि चोकी ने जो मेरे साथ किया उससे मेरी जिंदगी में क्या होगा। ये तो जिंदगी बदल दी उसने आंटी, एक बार सोचना शायद आपके दिल में जो मेरे लिए नफरत है वो कम हो जाए, शायद आपके दिल में जो मेरे लिए गुस्सा है वो कम हो जाए। नहीं होगा, ये गुस्सा कम नहीं होगा माही। माना अंधी होती है माही, उसको अपने बच्चों के अलावा किसी और का दुख नजर नहीं आता। अपने बच्चे की छोटी से छोटी चोट ना किसी और की बड़ी से बड़ी चोट से भी बड़ी लगती है। मैनू माफ करी माई, इतनी काबिलियत मुझ में नहीं है कि मैं अपने पुत्र के सामने तेरा दुख देख पाऊं। कोई भी मां नहीं देख सकती, हां अगर मुझे कुछ दिखता है तो ये कि मेरा जोगी हमेशा खुश रहता था, मुस्कुराता रहता था, और जब से तू उसकी जिंदगी में आई है मैंने उसकी आंख में आंसू देखे। मेरा जोगी हर किसी की जिंदगी में खुशियां भरता था, और आज लोग उसके दुखों की दुआएं मांग रहे। जहां जाता था ना हर जगह की रौनक ही बन जाता था मेरा पुत्र। तेरी वजह से माही मैं उसी अच्छाई उसके चेहरे पे, और इस चीज के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। बहुत इज्जत करती हो तो मेरी, तो मेरी गल मार, दूर चली जाए यहां से, इतनी दूर कि तेरा साया भी मेरे पुत्र पे ना पड़े।
भाई दी। पापा मैंने आपको, मुझे पता है आप ना अपनी माई से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकते। मम्मी आप गुस्सा तो नहीं हो ना? आप मुझे अपनी मम्मी से मिलने से पहले झिझकना तो नहीं पड़ेगा ना मम्मी? मम्मी मम्मी किसे कह रहे हो आप? अरे मम्मी, मैं तो आपको हमेशा से मम्मी बोलती हूँ ना। आपको नहीं पसंद आ रहे तो मैं आज से आपको माँ बोल दूंगी मम्मी। कौन माँ? कौन माँ? मम्मी आपको मुझे चुतिया मारनी है मान लो, गालियां देनी दे लो, लेकिन ऐसे मत करो प्लीज। कोई काम था आपको? फिर से मिलना आपको यहाँ? मम्मी आप मुझे ऐसी कौड़ी बातें मत बोलो, मैंने मर जाना है मम्मी। जब मुझसे कोई ऐसे जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है ना, ये बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। सीमा तरमपाल चोपड़ा की बस दो बेटियां हैं, शालू और रेनू, और एक बेटा आकाश। और इन्हीं तीनों को हक है मेरे को माँ बुलाने का, समझ गए? आपको आपको मुझे मार रहे, मार लो। आपको मुझे जो सजा देनी है ना अम्मी को वो सजा दे दो, लेकिन मेरी मेरे से माँ कहने का हक मत छीनो। अम्मी मैं मर जाऊंगी, प्लीज। मैंने राम मम्मी जी, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? पता नहीं पप्पू जी, ये सवेरे सवेरे कौन आ गया? वो मैं तो जानती नहीं इनको, आप जानते हो? शालू पुत्र तू जानती है? माँ मैं माँ ही हूँ आपकी। भाई हाँ 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 माही, माही ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कहाँ सुना था? हाँ कल ही तो सुना था। ये वही है ना जिसने अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया? वही है ना जिसने अपने माँ पियो को जीते जी मार दिया? जिस रिश्ते का आपने गला कोट दिया, अब उसी को ढूंढने आए हो यहाँ? जाओ अपने आशिक अपने यार के पास वापस उसी के घर, रहो अपने पति परमेश्वर के साथ वहीं पे, वही आपका घर है, जाओ। तो मेरा घर है माँ, मैं आपको मेरा परिवार पास से मत भाई रुक। मेरे घर में अरे गहरे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जा मेरी नजर के सामने से।
जोगी को तो तूने अपनी कसम दे के रोक लिया। अब मैं जाऊंगी और अपनी बहू ने अपने साथ लेके आऊंगी, फिर देखती हूँ तू क्या करेगी। जाना तो जाओ बीजी, पर एक बात सोच लो, अगर उस बहू से रिश्ता बनाना है तो इस बहू से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। अगर वो इस घर में आई तो मैं चली जाऊंगी। अभी जी, हमारा रिश्ता भले ही सास बहू का हो पर किसी मां बेटी के रिश्ते से कम नहीं है। लेकिन अगर आपने उस लड़की को इस घर की बहू बनाने की कोशिश भी की ना, तो मां बेटी तो बहुत दूर है, ये सास बहू का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। और अगर कोई भी उसके पीछे गया ना, तो मेरे पीछे मत आना। और जब आप खुद वापस आ गई तो फिर क्या करेगी? बोले क्या कह रहे हो बीजी? वो खुद वापस नहीं आने वाली, वो आना ही होता तो जाती क्यों? बेबे बेबे, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप ना अपनी कसम वापस ले लो, अपनी कसम वापस ले लो, वरना उस बेचारी ने ना। मैं कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन आपके घर नहीं आऊंगी। इतनी कठोर होगी है के रूपा, एक बच्ची दरवाजे पे आवेगी और तू उसने अंदर नहीं आने देगी, ऐसे भेज देगी उसको बाहर। बीजी, मेरे घर पे दरवाजे पे कुछ जानवर भी आए ना, उसे भी वापस नहीं भेजती मैं, ये तो फिर भी माँ ही है। वो अपनी मर्जी से आएगी तो कुछ नहीं कहूंगी मैं। बेबे, वो खुद वापस नहीं आएगी। आवेगी जोगी, वो वापस जरूर आएगी, जितना प्यार सच्चा है तो वो आएगी। और जितना जो कुछ भी करा है वो साफ नियत से करा है तो वह जरूर आवेगी। जब माता रानी ने तुम दोनों की एक जिंदड़ी बनाई है तो वह जरूर आवेगी। याद रखी मेरी बात ने, वह जरूर आवेगी। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मम्मी, अब 1 किलो घी डाला जाए इस बुझती आग में। मम्मी जी, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। वैसे ये आप कह रहे हो पप्पू जी? नहीं, इन सब का तो मेरे को मालूम है कि ये मेरा साथ छोड़ सकते हैं, मेरे को लग रहा था कम से कम आप तो मेरे साथ दोगे, ऐसे हालात में मेरे साथ खड़े रहोगे। पर आप, मम्मी जी, हमेशा मैंने आपका ही साथ दिया है। पर क्या पप्पू, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जो बर्ताव आपने माई के साथ किया है ना, वो ठीक नहीं है जी। आप एक बात सोचो, आप अगर माही सच्ची निकली तो, अगर जोगी ने सही में जबरदस्ती से शादी की है तो। अगर ये बात सच्ची निकली तो हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, राक्षसों के घर भेज दिया अपनी बेटी। ये जानने के बाद क्या आप अपने आप को जिंदगी भर माफ कर पाओगे? तो बस फिर अब एक ही रास्ता बचा है सच जानने का, दूध का दूध और पानी का पानी करने का।
क्या गलती की है मैंने, क्यों हर बार ये समाज मुझे गलत ठहरा देता है, किस बात की सजा दे रही है। आज मेरा परिवार मुझसे नफरत करता है, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। मैं तो अपने परिवार का भला चाहती थी, किस बात की परीक्षा ले रही है तू मुझसे? सब कुछ छिन गया मुझसे, मेरा दोस्त, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरा काम, मेरी इज्जत, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। क्यों माँ, क्यों? दादी पोता इतना बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे हो ना, नहीं आने वाली वो। शौक है तन्ने दूसरों के घर की लड़कियां भगाने का? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरा बेटा भगा के नहीं लेके आया, बाकायदा शादी करके लेके आया है। बाकायदा मेरी जुत्ती। दड़ी हुई है जी हमारे साथ, मेरी बच्ची के साथ। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इनको। धोखा हुआ है वो भी मेरी भोली भाली साली के साथ, अंदर डालो इसे। मैं तो कहती हूँ ये सारे के सारे ना मिले हुए हैं, सबको जेल में डालो। सीमा तू जानती है किन हालातों में शादी हुई है? जोगी ने ये शादी सिर्फ माई को बचाने के लिए की और कुछ नहीं। बचाने के लिए की है, उसे बचाने के लिए ना उसके घर वाले हैं, और वैसे भी किसी लड़की से बिना पूछे शादी करना ना कानूनन अपराध होता है। बताओ सही कह रही हूँ ना मैं? और आप मानो या ना मानो पर गलती तो आपके पुत्र से हुई है। गलती तो वह थी जो तुम लोग करने जा रहे थे, मेरे पोते ने तो गलती को सुधारा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी माही सच बोल रही थी। ये नहीं बल्कि पूरा परिवार मिला हुआ है, सबकी मिली भगत है। इंस्पेक्टर साहब डालो सबको अंदर, वरना समाज में आज के बाद कोई भी बेटी सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, बता रहा हूं मैं आपको। ओए पप्पू अंती, ये औरतों में ना उंगलियां उठाना बंद कर। जो कुछ किया मैंने किया, इसलिए मेरे घर वालों पे इल्जाम लगाने की हिम्मत भी मत करना। और एक बात और कान खोल के सुन ले मेरी। क्या क्या क्या, कौन सी बात? अगर बिना जुर्म किए सजा मिलनी है तो फिर जुर्म करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। बाकी तू इशारा मेरा खुद ही समझ जा। धमकी वो भी सरेआम सबके सामने। इंस्पेक्टर साहब वो दिन याद कीजिए जिस दिन आपने कसम खाई थी ये वर्दी पहनते हुए। आज वक्त आ गया वो कसम निभाने का, चलो सबको अंदर। अरे ऐसे कैसे कर लेंगे अरेस्ट, कोई गलती थोड़ी ना करी हमने। एक मिनट यार, जिस पे बीतती है ना वो ही असली सच बता सकता है, बुलाओ माही को।
लाओ मेरी कुड़ी को बाहर। माही तो आप लोगों के साथ थी ना? और माही तो आप ही के घर गई थी। हाँ आई थी पर चली गई थी वो वापस। सच सच बताओ कहाँ है मेरी बेटी? वो कमाल करते हो यार आप लोग, कैसे बेशरम घर वाले हो। वो आपकी कुड़ी उस हालत में आपके पास आई और आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया और अब हमसे पूछ रहे हो कि वो कहाँ है। और सब पता है इनको, सब मिले हुए हैं ये। बताओ कहाँ है हमारी बेटी, कहीं उसे मार तो नहीं दिया? मेरी तो मुझे दिखाई नहीं देता, इसीलिए गलती से आपसे टकरा गया। कोई बात नहीं अंकल, आपने कौन सा जानबूझ के किया है? बहुत अच्छे संस्कार है।